Hello everyone, myself Khushali Kathiria. In this video we discuss a greedy BFS or greedy search. Greedy search is a part of the informed search. As per our previous discussion, we have discussed about the informed search as well as uninformed search. In uninformed search, we have already discussed a UCS, DFS, BFS, iterative depending search, DLS, okay, this kind of the search we have discussed in uninformed search, blind search, okay. Now we discuss informed search. Informed search, it means इसके नाम से ही हमें पता चलता है. इन्फॉर्म इट मीन्स हमें आगे का कुछ नेक्स्ट स्टेज जो है, नेक्स्ट जो मूवमेंट है, उसका हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि क्या होने वाला है. थोड़ा हमें क्या होगा, आइडेंटिफाई करते हैं. ब्लाइंडली हम सर्च नहीं करेंगे. हमें क्या करना है, थोड़ा हमें एज्यूम करके, थोड़ा हमें हमारी जो कोई भी सोच है उसका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट लेना है. अगर वो हमें सेफ लगे तो हमें आगे जाना है. अदरवाइज हमें क्या करना है, बैकवर्ड बैक ट्रैक करना है. ओके, सो इन दिस वीडियो वी डिस्कस ग्रीडी बीएफएस. वी आल्सो कॉल्ड अ ग्रीडी बीएफएस इज अ नेक्स्ट वर्जन ऑफ द बीएफएस, सिंपल बीएफएस. जो हमने अनइन्फॉर्म सर्च में बीएफएस वाला देखा था ना, उसका नेक्स्ट वर्जन भी हम ग्रीडी बीएफएस को बोल सकते हैं. इन ग्रीडी बीएफएस वी यूज्ड ओनली ह्यूरिस्टिक वैल्यूज. ओके, इन सिंपल बीएफएस वी डिस्कस अबाउट द एक्चुअल पाथ कॉस्ट. ओके, एक्चुअल वैल्यू जो है उसकी, वो हमने क्या की थी, आइडेंटिफाई की थी, और उस हिसाब से हमने क्या किया था, उस हिसाब से हमने बीएफएस को मूवमेंट दिया था. पर ग्रीडी बीएफएस में क्या है, ग्रीडी बीएफएस में हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू यूज करनी है. ह्यूरिस्टिक वैल्यू इट मीन्स एजम्पशन वैल्यू. ओके, सो इन ग्रीडी बीएफएस मे नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस ऑप्टिमल सॉल्यूशन. जैसे ही हमने बोला था कि BFS में इट गिव्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ओके, BFS गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन. ओके, बट ग्रीडी BFS में क्या है, इट नॉट ए मे बी इट गिव ऑप्टिमल रिजल्ट और इट मे बी नॉट. ओके, बट इफ ग्रीडी BFS गिव अ सॉल्यूशन, इट्स काइंड ऑफ द लोकल ऑप्टिमल. ओके, मे बी इट सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन गिव इज अ optimal or not, but its solution will be a locally optimal. okay, वो solution है वो may be हो सकता है best or optimal, but they always give a local optimal solution. locally जो कोई भी वो solution देगा वो क्या होगा, locally always be optimal. okay, as it generated comparatively less amount of the time. जो BFS, एक्चुअल BFS जो टाइम लेता है उससे वो क्या देगा, लेस अमाउंट में ट्राई करेगा लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देने की, अगर वो ऑप्टिमल ग्लोबली ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं दे पाया तो. ओके, सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्टिमलिटी एंड कंप्लीटनेस, बट वी डिस्कस आफ्टर एग्जाम्पल. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर आई इंट्रोड्यूस सर्च ट्री. एज यूजुअल इन प्रीवियस वीडियो आई टुक दिस काइंड ऑफ द ट्री in my all example. So here I give same tree for ABC. B have a E and F node, C have a G node, that is a goal node, F have a H and I node. Okay, but here I have write some value. Okay, in rectangle. Okay, वो क्या है, वो है हमारी heuristic value. जो हमें BFS में जो वैल्यू ली थी वो क्या थी, पाथ कॉस्ट था. जो हमें एज्यूम कर लिए थी कि पाथ कॉस्ट एक ही है, सबकी सेम है, बट यहाँ पर हमने क्या किया, ह्यूरिस्टिक वैल्यू, इट मींस वो अपने आप से एज्यूम की जाती है. अगर आपको ट्री में लगता है कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको ज़्यादा टाइम, इट मींस कि आपको लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देना है, और अगर आपको मूवमेंट लेना है तो क्या करना होगा, को आपकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू एज्यूम करनी होगी, एजम्पशन वैल्यू जो कोई भी है वो. ओके, सो दिस इज योर ह्यूरिस्टिक वैल्यू. ओके, दिस ऑल आर. सो नाउ वी डिस्कस ग्रीडी BFS. इन ग्रीडी BFS वी टुक दिस वन एग्जाम्पल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. इन फर्स्ट स्टेप वी ओपन द फर्स्ट नोड एज A0 एंड close 0. okay, second node is open A0 node. So here we write UC. Here our greedy BFS is like a UCS example. okay, UCS uniform cost
सर्च, यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च में क्या किया था हमने, जो कोई भी पाथ कोस्ट थी उसके हिसाब से हमने मूवमेंट किया था। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें हमारा जो कोई भी ह्यूरिस्टिक वैल्यू है उसके हिसाब से क्या करना है, मूव करना है। सो हियर इफ वी ओपन ए जीरो नोड देन ए जीरो राइट हियर, बी जीरो, सी वन एंड डी टू, हियर दिस वन इज द ह्यूरिस्टिक वैल्यू, ओके, ऑल आर, ओके। यूसीएच में क्या किया था हमने, यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू ली थी, ओके, यहाँ पर जो कोई भी थी वो एक्चुअल वैल्यू थी, कि पाथ के हिसाब से बढ़ती चली जा रही थी, जहाँ यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं, हमें यहाँ पर ह्यूरिस्टिक वैल्यू लेनी है। नेक्स्ट इज वी वॉन्ट टू ओपन अ बी नोड, ओके, सो ई जीरो एफ वन, सॉरी ई जीरो एफ वन सी वन एंड डी टू, एंड हियर वी क्लोज बी जीरो। नेक्स्ट मूव इज लेस अमाउंट, जो कोई भी वैल्यू है उसकी हमें क्या ओपन करना है, उस नोड को ओपन करना है जिसकी अमाउंट लेस हो, मतलब उसका जो ह्यूरिस्टिक वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ई जीरो को क्या किया है, ओपन किया है। सो ई जीरो को कोई सब नोड, सब चाइल्ड नोड नहीं है, इसीलिए एफ वन सी वन एंड डी टू अकेले, ओके। बाद में एफ वन, क्यों, क्योंकि वन वन टू, सो एफ वन भी ओपन कर सकते हैं, सी वन भी ओपन कर सकते हैं, हमने क्या किया एफ वन, सो हियर एच जीरो ओ जीरो आई जीरो सी वन एंड डी टू, ओके। सो नाउ वी ओपन एच जीरो और आई जीरो एनी वन, ओके, इफ वी ओपन एच जीरो देन आई जीरो सी वन एंड डी टू, हियर एच जीरो इज अवर गोल नोड, ओके। तो क्या हुआ है, हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि एच जीरो है, एच है वो हमारा क्या है, गोल नोड है, पर हमें तो कुछ और मिल रहा है, जी नोड है वो भी हमारा गोल नोड है, और कम कम वैल्यू पर वो गोल नोड है। मैंने क्या किया था, ग्रीडी ऑल ग्रीडी नॉट श्योर, ओके, ग्रीडी मे नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस अ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मे बी इट गिव अ पॉसिबली ए सॉल्यूशन उस टाइप का देगा कि वो ऑप्टिमल है, बट अगर वो नहीं दे पाया तो क्या होगा, वो ऑप्टिमली लोकली ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा। हम यहाँ पर एक चेंजेस ये भी कर सकते हैं, हमने यहाँ पर एफ वन और सी वन में एफ वन को चूज किया, इसीलिए हमारा गोल एच जीरो आया। अगर हम सी वन को ओपन करते हैं, अगर हम सी वन डी टू और एफ वन है उसमें से हम सी वन को ओपन करते हैं, तो सी वन को ओपन करने के डायरेक्ट बाद ही हमें क्या मिल जाएगा, जी जीरो, तो हमें क्या होगा, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, ओके। बट ये वाला जो है वो क्या होगा, लोकली ऑप्टिमल। सो ये प्रूव हो रहा है कि ग्रीडी बेस्ट ट्राई करेगा, ओके, कि वो बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे, बट अगर वो नहीं दे पाया तो वो क्या करेगा, वो लोकल ऑप्टिमल सॉल्यूशन देगा, ठीक है, एफ वन सी वन, ओके। सो दिस इज अ ग्रीडी बीएफएस, ग्रीडी बीएफएस इज अ एडवांस वर्जन ऑफ द सिंपल बीएफएस। हियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्रीडी बीएफएस इज अ ओमेगा ऑफ बी रेस टू एम। इट गिव्स ऑप्टिमलिटी, नो, नॉट ऑल टाइम, ओके, एंड कंप्लीटनेस, नॉट फॉर ऑल टाइम, नॉट ऑल कंप्लीटेड, ओके। सो दिस इज अ कंप्लीटनेस एंड दिस इज ऑप्टिमलिटी एंड दिस इज अ कॉम्प्लेक्सिटी, ओके, थैंक यू।